जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा पास टिप्स में कौन नहीं चाहता है धनवान बनना आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं सभी चाहते हैं कौन नहीं चाहता कि उसके घर में बरकत बनी रहे माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो सुख समृद्धि हो ऐशो आराम हो पैसा आए और टिके माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो सके पैसा फिजूल खर्च ना हो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही उपाय लेके आई हूँ जिसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहेगी ऐशो आराम होगा माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा तो चलिए मैं अपना उपाय बताती हूं जो आज मैं आपके लिए खास उपाय लेके आई हूं बहुत ही छोटा बहुत ही सरल है कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है और एक छोटा सा उपाय भी साथ में करना है आज का जो उपाय है खास ओर से झाड़ू जी हाँ जैसे कि आप सभी को पता है जो झाड़ू होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है कभी भी अपने घर के झाड़ू पे पैर नहीं लगाना चाहिए अनादर नहीं करना चाहिए झाड़ू का हमेशा ही सादर करें और कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो क्षमा मांगे माँ लक्ष्मी से और झाड़ू पे पैर हाथ स्पर्श करके और उसे माथे पे लगा लें इस तरह से आप भूल चूक में अगर पैर लग भी जाए तो अपनी गलती मान लें झाड़ू को कभी लांग कर नहीं जाना चाहिए जैसे कि आप सभी को पता है कि घर की जो झाड़ू होती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है जी बिल्कुल जैसे कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है जहां पे साफ सफाई होती है माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है तो जो झाड़ू है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है झाड़ू की पूजा करी जाती है और अपनी घर की झाड़ू को हमेशा झाड़ू लगाने के बाद संभाल के पश्चिम दिशा की तरफ रख देना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपको एक चीज बता दू अपनी झाड़ू कभी किसी को देनी भी नहीं चाहिए कि कोई उधार मांगे और आप अपनी झाड़ू उठा के दे दें और ना किसी की झाड़ू लेकर अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए तो ये छोटी छोटी सी बातें जिन्हें आप ध्यान रखें और कभी आपकी घर की झाड़ू टूट जाए या उसमें से झाड़ू निकल के गिरने लग जाए तो इस तरह की झाड़ू को अपने घर से हटा देना चाहिए और अपने घर पे कभी टूटी फूटी झाड़ू से झाड़ू ना लगाएं घिस जाए तो चेंज कर दे समय समय पे झाड़ू को बदल देना चाहिए और नई झाड़ू लाके अपने घर में लगा से ही झाड़ू लगाना चाहिए और जब भी आप कभी नई झाड़ू खरीद के लाएं तो पहले उसकी पूजा कर लें पूजा करने के बाद ही उस झाड़ू से अपने घर में साफ सफाई करें और सबसे अच्छा दिन होता है झाड़ू खरीदने का शनिवार के दिन शनिवार के दिन आप एक नई झाड़ू खरीदें जब भी आपको खरीदना है और उसे खरीद के लाके उसे अपने घर के किसी कोने पे रखकर उस पर हल्दी कुमकुम -कुम तिलक लगाएं कलावा मोली धागा लपेटें और पूरी रात भर के लिए ऐसी रखा रहने दें और अगले दिन रविवार के दिन से उस झाड़ू से उसकी जय करके फिर ही उस झाड़ू से अपने घर की साफ सफाई करें कभी भी झाड़ू को गीला करके कभी झाड़ू ना लगाएं घर में और एक चीज झाड़ू को कभी खड़ी क्यों नहीं रखते कई बार आपने सुना होगा कि झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा कभी खड़ी नहीं रखते कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो विग्रह खड़ी रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास नहीं करती और आपके घर से प्रस्थान कर देती है तो कभी भी मां लक्ष्मी की जब फोटो या प्रतिमा खरीदें तो बैठी हुई मुद्रा में खरीदें जिससे कि मह लक्ष्मी जब आपके घर आए तो स्थिर वास करें उसी प्रकार जब हम झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं तो झाड़ू को खड़ी रखने से आपके घर से महालक्ष्मी चली जाती है हमेशा के लिए तो इसीलिए कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए झाड़ू झाड़ू को लिटा के सुला के रखें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान जरूर रखें और झाड़ू लगाने के बाद अपनी झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें जैसे कि कहा जाता है कि अपने घर की लक्ष्मी सभी छुपा के रखते हैं उसका कोई प्रदर्शन नहीं करता उसी प्रकार जब झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तो अपने घर की झाड़ू को झाड़ू लगाने के बाद संभाल के छुपा के रख दे किसी बाहर व्यक्ति की नजर ना पड़ने दे अगर ऐसा होता है तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं होती है तो इस तरह से इन चीजों का जरूर ध्यान रखें अब जो खास उपाय है कि जो मैं झाड़ू के लेके आई हूं रात्रि के समय आप ये उपाय करें किसी भी दिन कर सकते हैं और एक चीज और मैं आपको बता दू कि समय समय झाड़ू आप दान भी जरूर करें अगर कोई आपसे मांग ले तो उसे नई झाड़ू खरीद के दे दें और संभव हो सके तो आप शनिवार के दिन एक नई झाड़ू खरीदें और किसी भी मंदिर में जाकर दान कर दें चुपचाप दान करें किसी को बताएं नहीं कि आप झाड़ू दान कर रहे हैं और एक चीज अपने घर में कभी भी कोई घर से बाहर निकले तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए इससे भी जो व्यक्ति घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं उस काम में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है और एकादशी गुरुवार और शुक्रवार के दिन अपने घर से कभी भी पुरानी झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो इस तीन दिन जरूर से जरूर ध्यान रखें अपने घर से कोई भी पुरानी झाड़ू अगर हो रही है तो उसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में संभाल के रख दीजिए और फिर उसे आप शनिवार के दिन ही हटा सकते सबसे अच्छा है बाकी आप तीन दिन शुक्रवार गुरुवार और एकादशी के दिन अपने घर से पुरानी झाड़ू को कभी भी ना निकालें तो चलिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ तो आपने करना क्या है रात्रि के, के समय आप किसी भी दिन कर सकते हैं अगर शुक्रवार के दिन करें तो शुक्रवार के दिन करें आपको थोड़े अक्षत चाहिए अक्षत आप सभी समझ गए टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए साबुत चावल थोड़े से ले लीजिए आप या तो आप गिन के 21 दाने भी ले सकते हैं नहीं तो आप थोड़े से दाने ले लीजिए और जहाँ भी आप अपने घर की झाड़ू रखते हैं उस झाड़ू के नीचे आप ये पहले अक्षत रख दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर अपने घर की झाड़ू को संभाल के रख दीजिए और सुबह जब उठें तो इस अक्षत को आप पक्षियों को डाल दीजिए और अपनी झाड़ू को जब झाड़ू आप लगाने लगे सुबह तो सबसे पहले जय करें माथा लगाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी मैं अपने घर में साफ सफाई करने जा रहा हूं मगर आप मेरे घर में स्थिर वास करें इस तरह से जय करते हुए लक्ष्मी अः माता की प्रार्थना करते हुए तभी आप अपने घर में झाड़ू लगाएं तो जब आप ये चावल उठाएं तो पक्षियों को डाल दें और फिर उस झाड़ू से माथा लगा के और फिर झाड़ू अपने घर में लगाएं तो इस तरह से करिए आप ये छोटा सा उपाय आपके घर में लक्ष्मी कृपा दृष्टि अवश्य होगी हर शुक्रवार अगर संभव हो सके तो छोटा सा उपाय जरूर करें इस तरह से आप झाड़ू को आसन डेल चावल का अक्षत का और फिर उस पर झाड़ू रखिए और फिर उसे मस्तक पर लगा के फिर ये कार्य को करके देखिए बहुत ही छोटा सा अचूक सा उपाय है और इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर से ध्यान रखें जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी ना आए और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरक्कत बनी रहे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है जय श्री कृष्ण